फेमस नहीं है लेकिन वो उतना ही अच्छा काम कर रहे हैं. सारे इंडिया के सारे कोने से आए हुए लोग बॉम्बे में काम कर रहे हैं, कोई बैंकॉक से आ रहा है, कोई कोलकाता से आ रहा है. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकग्नाइज दैट टैलेंट ऑल्सो. हम तो सारे फेमस लोगों का टैलेंट तो सभी को पता है, बट दिस इज़ समथिंग विच इज़ हिडन येट इट्स देयर एंड इट्स रनिंग द मार्केट. सो इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ. आई एम वेरी ऑनर्ड दैट इन लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर. या लोगों को तो पता है हमारी लाइफ स्टाइल, बट आई ट्राई टू कीप इट एज ईजी एज पॉसिबल एंड आई लाइक टू बी सिंपल एंड जस्ट बी हैप्पी. दैट्स ऑल फॉर मी. फैशन मीन्स कम्फर्ट. जिसमें मैं कम्फर्टेबल हूँ वही कपड़े मैं पहनती हूँ, वही ट्रेंड्स मैं फॉलो करती हूँ. तो आई डोंट ट्राई एंड गो. समटाइम्स आई गेट स्लैक फॉर नॉट बींग दैट फैशनेबल डिस्पाइट ऑफ बींग अ सुपर मॉडल. लेकिन मैं समझती हूँ कि जब हम अंदर से कम्फर्टेबल है तब हम कॉन्फिडेंस एक अलग आता है. सो दैट्स माई फैंटासिया डेफिनेटली. क्योंकि ये रोज काम कर रहे हैं, उतना ही अच्छा काम कर रहे हैं. सारी इंडिया की पब्लिक आर वर्किंग. लाइक इन बॉम्बे यू सी देयर सो मेनी टैलेंटेड हेयर ड्रेसर्स एंड डिज़ाइनर्स, बट सबके नाम बाहर नहीं आते. तो दिस इज़ समथिंग जो ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन दे आर डूइंग फैंटास्टिक वर्क. तो आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट दिस इज़ वेरी एनकरेजिंग फॉर देम. क्योंकि फेम किसको नहीं पसंद है एंड अवार्ड्स किसको नहीं पसंद है. सो दिस इज़ सम नाइस ट्रीट फॉर देम. या आप लोगों को तो सब पता है हमारी जर्नी के बारे में, आप ही छापते रहते हो. बट आई जस्ट टेल यू, फ्रॉम सुपर मॉडल टू एक्टर आई एम हियर एंड आई एम हैप्पी दैट आई एम स्टिल सस्टेनिंग एंड सर्वाइविंग एंड हैप्पी दैट लोग अभी भी मुझे सराहते हैं, हमारे काम की देखने की इच्छा रखते हैं. सो दैट्स वेरी गुड फॉर मी एज एन एक्टर. सो अफ नाउ देर इज़ झुंझुना इज़ कमिंग विथ कृष्णा अभिषेक एज यू ऑल नो. सो एंड आई हैव जस्ट फिनिश्ड अ तमिल फिल्म. सो या वर्क इज़ गोइंग ऑन. Also, I would like to add, this is also a charity event for underprivileged children. So, their organizers are helping underprivileged children through this event. So, I would just like you all to take a notice of all this.